पंच ऑफिशियली अनवील हो चुकी है एंड टाटा पंच की एक्सपेक्टेड प्राइस 5 लाख से 8 लाख तक जाएगी, जिसमें टाटा पंच का टॉप वेरिएंट क्रिएटिव वेरिएंट की प्राइस 8 से 9 लाख के बीच होगी और यही प्राइस में Hyundai की वेन्यू का S वेरिएंट आता है जिसमें 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में टाटा पंच क्रिएटिव वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Hyundai वेन्यू S 1.2 से। प्लीज नोट कि इस वीडियो में हम वेन्यू के S 1.2 वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज उसकी प्राइस टाटा पंच के टॉप मॉडल से सिमिलर होगी, सो ये कंपैरिजन लॉजिकल है। बट हाँ, Hyundai वेन्यू में इससे ऊपर के मॉडल में टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है, कई सारे और फीचर्स भी, बट उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी, सो वो कंपैरिजन सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कार्स में मिलने वाले इंजन के। Hyundai वेन्यू में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 82 bhp का पावर एंड 114 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि टाटा पंच में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 84 bhp का पावर एंड 113 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वैसे नंबर वाइज आपको दोनों इंजन में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, बट Hyundai का इंजन 4 सिलेंडर होने के कारण ज्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ है, जबकि टाटा का सेम इंजन हमने अल्ट्रोज में भी देखा है, वो उतना स्मूथ एंड रिफाइंड नहीं है एंड थोड़ा अंडर पावर्ड भी फील होता है कंपेयर विद वेन्यू इंजन। तो हाँ, इंजन वाइज यहाँ पे Hyundai वेन्यू विनर है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। टाटा पंच की लेंथ 3827 मिलीमीटर है जबकि वेन्यू की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। मीन्स टाटा पंच लेंथ में Hyundai वेन्यू से शॉर्ट है, बट टाटा पंच की विड्थ 1742 मिलीमीटर है जबकि Hyundai वेन्यू की विड्थ 1770 मिलीमीटर है एंड टाटा पंच की हाइट भी 1615 मिलीमीटर है जबकि वेन्यू की हाइट 1605 मिलीमीटर है। सो लेंथ के सिवा सब डायमेंशन में टाटा पंच बेटर है एंड पंच में विड्थ ज्यादा होने के कारण पिछली सीट में 3 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे कंपेयर टू वेन्यू। अल्सो टाटा पंच की लेंथ कम होने के बाद भी टाटा पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जबकि Hyundai वेन्यू में आपको ओनली 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सो ओवरऑल बाहर से ही लेंथ में आपको वेन्यू थोड़ी बड़ी लगेगी, बट स्पेस मैनेजमेंट में पंच ज्यादा बेटर है बिकॉज पंच में पीछे 3 लोग इजिली बैठ पाएंगे एंड बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की। वैसे तो डिजाइन पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों कार्स में से कौन सी कार का लुक ज्यादा बेटर लगता है, बट पर्सनली डिजाइन वाइज मुझे तो टाटा पंच ज्यादा बेटर लगती है, बट ये सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। बट एक्सटीरियर में दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर पार्किंग सेंसर, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एक्सेट्रा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट टाटा पंच में एक्सटीरियर में आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो Hyundai वेन्यू के S वेरिएंट में नहीं आते, जैसे कि LED DRL, LED टेल लैम्प, 16-inch एलॉय व्हील, 90 डिग्री ओपनिंग डोर, फॉग लैम्प्स, रियर वाइपर, ऑटो हेड लैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एटसेट्रा। सो एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज टाटा पंच विनर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी टाटा पंच यहाँ पे बेटर है क्योंकि टाटा पंच में आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल CarPlay मिलता है, बट Hyundai वेन्यू में आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिलता है। दोनों कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, USB चार्जर, कप होल्डर्स, कूल्ड ग्लोव बॉक्स एक्सेट्रा जैसे कॉमन फीचर्स भी मिलते हैं, बट टाटा पंच में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, हरमन की ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एक्सेट्रा जैसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको वेन्यू के S वेरिएंट में नहीं मिलते। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज दोनों कार्स का ऑफिशियल क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है अब तक, बट टाटा अपनी सेफ्टी के लिए पॉपुलर है एंड टाटा पंच अल्ट्रोज वाले सेम अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। अल्ट्रोज ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाया था, सो टाटा पंच भी अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। और रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, 2 एयरबैग्स एक्सेट्रा जैसे कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल चॉइस की बात करें तो टाटा पंच यहाँ पे बेटर ऑप्शन है बिकॉज इंजन रिफाइनमेंट के अलावा बाकी सब चीजों में टाटा पंच बेटर है, बट अगर आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस एंड रिफाइंड इंजन चाहिए तो आप Hyundai वेन्यू ले सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।